एक्स्ट्रा टाइम है, 5 मिनट है। बास्केटबॉल कोर्ट ये पूरा मतलब बनाया गया है ये अरुणाचल प्रदेश बास्केटबॉल के अपने दम पे, बट देयर वर सम पीपल हु एक्चुअली हेल्प अस। सम ऑफ देम वेयर प्लेयर्स का अपना फैमिली मेंबर्स ही था, किपा फैमिली वेयर देयर, लोकम फैमिली वेयर देयर, एंड ऑल्सो सम लाइक सॉफ्टवेयर देयर, एंटरप्रेन्योर्स वेयर देयर, ग्रे स्मार्ट, ब्लू स्टोन, एंड ऑल्सो दिस मैस्की फुटबॉल, दे ऑल्सो हेल्प अस। So, आप जैसे कि यू शेयर कि द पीपल आई मीन द सिटीजन्स ऑफ हू एवर प्लेस मे बी कंसर्न शुडंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, लाइक इफ दे आर रियली पैशनेट अबाउट, यू नो एज यू आर रियली पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, तो आपका क्या मैसेज रहेगा फॉर द अदर पीपल इन रिगार्ड्स टू दिस? इन फैक्ट एज एन स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट एवरी मेंबर ऑफ बास्केटबॉल मेंबर वेर एक्चुअली वेरी पैशनेट रिगार्डिंग दिस कोर्ट, तो हम लोग का मैसेज वही है कि we shouldn't always rely on government. पहली बात अगर हम लोग खुद करेगा तो स्टेट भी आगे जाएगा ना, क्योंकि द मोर गवर्नमेंट हम लोग को जितना फ्रीबीज देते हैं उतना ही उनके लिए भी तकलीफ हो जाता है। तो वही बोलना चाहेगा कि अपने आप कीजिए, एंड देन और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी शायद हम लोग को और थोड़ा हेल्प करने से बहुत अच्छा रहना था और अच्छा भी रहेगा in future. Okay, what was the motto behind creating this basketball court? Motto behind this basketball court was actually we want to create more players for the state. hum log bhi chahte hai ki India mein ya phir kahin bhi ho hum log ka Arunachal ka bhi naam hona chahiye, and we believe ki abhi bahut sara players aa rahe hain na, and I think aajkal ke generation ke bacche bhi kafi lambe hote hain na, to we are hoping कि हम लोग भी मेडल लाएंगे अरुणाचल के लिए। मेन ये ऑब्जेक्टिव फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस कोर्ट वाज टू प्रोवाइड आवर प्लेयर ए प्लेस वेयर दे कैन प्ले, और जहाँ पे खुद का एसोसिएशन का टूर्नामेंट को हम लोग कंडक्ट कर सके वो हम लोग का रीजन था, क्योंकि भाई जब से रजिस्ट्रेशन हुआ हम टूर्नामेंट स्टेट लेवल करवाया, हम लोग इंटर स्टेट क्लब लेवल टूर्नामेंट कराया, क्लब लेवल टूर्नामेंट कराया, तो वी फेस मेनी डिफिकल्टीज, और वो मेन प्रॉब्लम कोर्ट से ही आता था कि वी डिडंट हैड एनी कोर्ट अवेलेबल टू अस, तो इसलिए वही मोटो था कि हम लोग का अपना एक कोर्ट हम लोग कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, एज यू शेयर दैट दिस लॉ दिस लैंड इज ओन बाय यू, तो हाउ इज द प्रोसीजर, मतलब कैसे, व्हाट हाउ इज योर एसोसिएशन, कैसा चलेगा ये? एक्चुअली हम लोग का जो बास्केटबॉल कोर्ट कंस्ट्रक्शन शुरू होने का शुरुआत में वी अप्रोच गवर्नमेंट कि हम लोग की गवर्नमेंट एक लैंड अलॉट करो बोल के, बट एस वी ऑल नो कि अभी आईसीआर रिजर्व में अवेलेबल लैंड नहीं है एरिया, तो उसके कारण बीइंग द प्रेसिडेंट एंड बास्केटबॉल एंथुसियास्ट मेरा पास अपना खुद का जो जमीन रिसेंटली जो हम खरीदा था, तो आई थॉट कि वहाँ पे एक अपना प्राइवेट कोर्ट बना लेगा, एंड वी विल अपना और वो कोर्ट में ही अपना एसोसिएशन का एक ऑपरेशनल एक जगह इसको बनाएगा, ओके, वही इसलिए हम लोग इसको बास्केटबॉल एक कोर्ट को बनाया।